मोनिसा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के व्लॉग में क्या होगा। तो आज के व्लॉग में हमारा फागोत्सव है जिसका पोस्टर लॉन्च होने वाला है। मैं भी जा रही हूँ, सुबी भी आ रही है और भी काफी भाई आ रहे हैं, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना। और मैंने आज फाग भी पहना है जैसा कि आप देख सकते हैं, साटन का मैंने पूरा सूट पहना है, उसके ऊपर फाग की ओढ़नी डाली है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको आज वाली ड्रेस आपको कैसी लगी। सो गाइज, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए लक्ष्मी पैराडाइज और हमारे स्वीटी भाई साहब भी आ गए और सुरभि का भी कंटिन्यू फोन आ रहा है कि मैं पहुंच गई। तो गाइज अब चलते हैं अपन और मिलो आप स्वीटी भाई से। हेलो, ऐसे लग रहा है कोई लड़कों को पहनाती है साड़ी और वो ऐसे ऐसे चल रहा है। ये हमारे मोनिका भाई साहब भी पहुंच गए, ये तो पहले ही पहुंच गए थे हमारे से, है ना? अभी आई हूँ जस्ट। नहीं, यहाँ अभी जस्ट आए हो। वैसे रिंका भाई साहब के पास तो पहले पहुंच गए ना, वो है मोनिका। अच्छा, आपका भी नाम मोनिका ही तो है। मेरा जस्ट आगे तो है, मेरा गली से आ गई क्या? हमारे रिंका भाई साहब भी आ गए और मोनिका भाई साहब भी आ गए। स्वीटी भाई साहब तो जैसे कि आपको पता ही है मेरे साथ ही आए थे। और ये देखो सुरभि, सुरभि अलग ही रहती है हमारे मस्त। हाँ, आराम से डांस करो, मजे करो आप तो, और हमें सिखा दो। पिछले इवेंट में भी आपने वादा किया था, अब एक एक गाने पे सिखा दो। ये कितने 11-12 दिन बचे हैं ना, इसमें एक सॉन्ग सिखा दो जो मैं इवेंट में डांस कर लूँ। ये ऐसे बोल रही है कि गेस्ट से भी है ना डांस करवाऊंगी, तो मैं यार मेरे को तो आता ही नहीं है, बस एक ही स्टेप आता है। तो करते नहीं है। खुद कुछ नहीं करती है क्या बेटा? तो नहीं करते है? मैं तो संस्कारी दुल्हन हूँ। संस्कारी दुल्हन है, बहुत संस्कार है तेरे में। तो अभी हमारा पोस्टर लॉन्च होगा थोड़ी देर के बाद में। हम केक वगैरह भी काटने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। व्लॉग में कंटिन्यू रहना आप सब। कौन कौन बाकी है आना? बर्थडे एनिवर्सरी किसी की को भी हो, बच्चों को काटना है केक तो। हाँ, आ जाओ आप। क्यों वो बेटो, केक काटेंगे अपन, अपन केक काटेंगे बेटो, केक काट रहे हैं अपन, केक करेंगे अभी। करो केक करो, आया देखा। ये केक कट तो हमारा हो चुका है और सबको खिला भी दिया। इसके बाद में हम होली भी खेलेंगे और डांस भी करेंगे, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना, आगे और भी मजे आने वाले हैं आपको। आई होप आज का व्लॉग आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाश्ता चल रहा है और क्या करूँ यार, डाइटिंग का सोचती हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों।
Oh, my.
फाइनली हमारा पोस्टर लॉन्च का काम हो चुका है, बस अभी हम वेट कर रहे हैं सुरभि का। सुरभि अंदर से अभी तक नहीं आई और बस जस्ट सुरभि आ जाए फिर मैं सुरभि को घर पे छोड़ूंगी, उसके बाद में मैं मेरे घर पे जाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता ही है ऋषभ और कीशा हमारे ट्यूशन वाली मैम के पास है। कीशा सो रही थी इसलिए मैं कीशा को छोड़ के आई, नहीं तो नहीं छोड़ती मैं कीशा को। बस 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं घर पे पहुंच जाऊंगी। 15 मिनट भाग के भी आ गई। गुन्नू को हाय गुन्नू को आप देख सकते हो साड़ी में कितनी क्यूट लग रही है। ऐसा बनाया है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रही, बहुत अच्छी है। हमारी स्वीटी वैसा को भी देख सकते हो और ये हमारी सुरभि अभी तक कलर में लतपत हो रही है। अब मत लगाना मेरे। करने वाला कौन था? करने वाला मैं ही थी। बुरा ना मानो, होली है। तो आ जा अंदर चली जा, नहीं तो फिर मैं लूंगी नहीं तुझे। सो गाइस मिलते हैं आपको सीधा घर पे। कौन मैं? कब छोड़ा मैंने तो? मेरा कुछ ठीक है। सुरभि का फोन छोड़ के आ गए हम वहीं। मिलना नहीं चाहिए था, मिल गया है इसको। मुझे बुला गए ना। सो गाइस मैंने सोचा कि घर पे जाके दूध लेने फिर से आना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी मैंने ले लिया दूध और घर पे जाके फिर मेरे को आना नहीं पड़ेगा। रात भी हो गई वैसे भी। हमारी सुरभि भी अब उतर रही है, घर पे जाएगी। मेरे तो जाने का मन भी नहीं है, मैं तो जिंदगी भर रह लूं। मेरे साथ शादी करके रह लूं तेरे साथ। शादी करके? सच में? झूठ मत बोलना। सच्ची बता रही हूं मैं। पहले हस्बैंड को पूछ क्या। अब वही तो दिक्कत है, शादी कर ली मैंने, शादी कर ली थी। सच्ची आराम से मजे करते अपन दोनों। देख लो हमारा बॉन्ड कितना मस्त है। और अब जा रही है सुरभि अपने ससुराल और मुझे भी घर पे जाना, आपको पता ही है। 15 मिनट का नाम लेके आई थी और आधा घंटा लग गया। और मैम भी वैसे घर पे, मैम है, उन्होंने फोन किया था कि मैं अभी हूँ 15 मिनट और, 15 मिनट के अंदर तो मैं पहुंच भी जाऊंगी। आ जाओ स्वीटी भाई, से आप भी आगे आ जाओ। खोलू क्या? ये लो, ये हमारे ऋषभ अभी तक पढ़ रहे हैं। ऋषभ मैम कब गए? अभी भी गए। और आपको किशा ने परेशान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट पहले ही होती है अभी। अच्छा, एक मिनट पहले ही होती है। घड़ी का चार्जर भी मिल गया और घड़ी चार्ज भी हो रही है। हैं? दिखाओ, चलो आपको दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। और ये किशा ने क्या किया? ये क्या क्या कर दिया किशा ने? बाय बाय। नीचे छोड़ के आऊँ या फिर? नहीं ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय ना, गुड नाइट। गुड नाइट। देखा ही था स्वीटी वैसा हमारे जा चुके हैं और अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है फाग है ना, खराब हो जाएगा। व्हाइट कलर तो वैसे भी खराब हो जाता है। चेंज कर लिए, बस फेस वॉश करना बाकी है। और वो ठंड में सच में मुझे खतरनाक वाली प्रॉब्लम होती है, नहाने में प्रॉब्लम होती है मुझे तो। मतलब कम से कम मुझे 1 घंटा लगता है जाने जाने में, ऐसे लगता है कि अभी जाऊंगी अभी चल जाऊंगा, फिर एकदम लास्ट स्टेज आ जाती है ना कि अब तो नहाना ही है, तब नहाने जाती हूँ मैं। तो बस फेस वॉश करूंगी। और आप ये देख रहे हो ना, ये मैंने क्या किया ना, वो जो टिक्की थी ना रेड कलर की लगा रखी थी मैंने, बड़ी सारी, साइज भी आप देख सकते हो दिख भी रहा है, तो उतारी ना तो ऐसे लग रहा है कि ये क्या खड्डा सा हो गया। तो मिलती हूँ आपसे फेस वॉश के बाद में। सो गाइस फाइनली मेरा कलर वालर उतर गया और अब किचन में जाके काम करना है, थोड़ा घर वर भी सही करना है और कीशा को भी दूध वगैरह पिलाना है। दूध उसका मैं गर्म कर रही हूँ। किचन की हालत देखो कैसे हो रही है, खतरनाक ही कर रखी है किचन की भी हालत मैंने। ये तो बच्चों ने नहीं की, मैंने ही की है। अब दूध गर्म हो जाए फिर उसके बाद में सीधा खाना बनाएंगे। थैंक यू सो मच सारा व्लॉग देखने के लिए। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, गुड नाइट।